वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर। सो गाइस, आज देखा जाएगा रमजान का चांद। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं गाइस, और तो आज हम आए हैं अपनी छत पे और जो है एक्साइटेड थे इस दिन के लिए, तो आज हम अपना चांद देखेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके गाइस, तो मैंने लगवाया था वैक्सीन का सेकंड डोज, जो कि मुझे आर्म में अभी भी दर्द है, और इसके अलावा थर्ड डोज भी लगवाना है अभी। सो पता नहीं क्या होगा उसका, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही, मुझे फीवर हो गया था। लेकिन सो गाइस, आज हमारा भी दिल कर रहा था कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाएं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लेट्स गो। सो गाइस, एक बात मैं बताना भूल गई, ये बात ये है कि जो है जो काइट, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं काइट उड़ाने का, उनको बहुत शौक होता है रमज़ान में, जो कि शाफिन को भी बहुत है। तो जी, अभी शाफिन की एक काइट फट चुकी है, अब वो दूसरी ला रहे हैं काइट। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं जी, ये मेरी फट गई है। तो खैर, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मेरी काइट फट चुकी है। तो ये बस हवा बहुत है आज, तो उड़ अच्छी रही है, लेकिन मेरा ये था कि पर ये देखिए फट गई। क्या कर सकते हैं आप, चलें कोई बात नहीं, दूसरी उठा लें। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जी, ये चरखी है जी, तो इसमें लपेटने में आसान होता है, जो थ्रेड होता है अपना सकते हैं उसको। और आजकल रमज़ान का सीज़न है, तो गाइस बात है रमज़ान के सीज़न में ये चलता है, वैसे क्रिकेट वगैरह तो पतंग उड़ाने में मज़ा आता है रमज़ान में। तो सब बच्चे अपनी अपनी छतों पे शाम को उड़ा रहे होते हैं, सबकी उड़ी है, लेकिन मेरी गिर गई, अब मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। सो गाइस, शाफिन काइट लेने गए हैं और हमारे ऊपर काफ़ी सारी चिल्लें घूम रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा गाइस, सो आज पहला रोज़ा है, तो कौन कौन रखेगा, मैं तो लाजमी रखूँगी, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन कोशिश करूँगी कि पैनाडोल की मैं वन मेडिसिन लेके रखूँगी इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, आप लोग भी ज़रूर रखिएगा, देखते हैं क्या होता है। और मैं यही मतलब कोशिश करूँगी कि मतलब आज पूरी रात तक जाऊँ इंशाल्लाह। सो गाइस, दो दिन भी गर्मी थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बेटर है। सो अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और ये फील वेरी कूल। तो जो है दो दिन मतलब फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और इसलिए हम छत पे भी नहीं आए थे थर्सडे और फ्राइडे को। लेकिन आज हम फ्राइडे को, मतलब आज तो सैटरडे है, तो आज हम छत पे हैं। वैसे फ्राइडे और थर्सडे को हम छत पे नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और इधर मतलब ऊपर काफ़ी चीलें घूम रही हैं, और पतंग और चीलें, पतंग गाइस एक्चुअली उसमें उर्दू में बोलते हैं तो काइट। सो काइट और जो चीलें हैं वो मतलब इस आसमान में घूम रही है, समझ नहीं आ रही है काइट है या फिर चील है, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं लग रहा इसमें। किसी किसी की काइट तो ब्लैक कलर की है। सो गाइस, मैं जो है गाइस, यहाँ से इतनी हीट आ रही है कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है हम ऊपर मतलब आसमान पे, और यहाँ पे अगर हाथ डाल रहे हैं तो इस तरह कुछ हो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से तरह एग्जॉस्ट है, तो इसलिए शायद हो रहा है। लेकिन सो गाइस, दुआ करें आप लोग के जो है शाफिन के एग्ज़ाम्स जून जुलाई में हो रहे हैं, तो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स और नाइन्थ क्लास के, तो आप लोग पता है कि काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो कैसे फ्रीक्वेंटली बात कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे कफ हो रही है, सो डोंट माइंड। तो मतलब इस तरह के उनके एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग पता है जून जुलाई में काफ़ी सारी गर्मी मेरे ख्याल से शायद होगी, जून में शाफिन के पेपर्स ना हो, अगर उनके पेपर्स हुए तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सो गाइस हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जून जुलाई में ब्लॉग्स बनाएंगे ज़रूर। तो वहाँ सामने से सन आ रहा है, मतलब पहले तो बहुत सारा था, लेकिन काफ़ी गोल था, लेकिन अभी छोटा हो गया है, तो शाम हो गई है। सो चांद देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं गाइस, अभी तक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो सन है, तो इसलिए। और काफ़ी सारे लोग काइट उड़ा रहे हैं, और मतलब आज पहली बार मैंने देखा है कि आसमान में चीले हैं, काफ़ी पहली बार मैंने देखा है। वैसे ज़्यादातर ना मतलब बहुत दूर दूर होती हैं, लेकिन आज मतलब बहुत करीब करीब घूम रही हैं, और काफ़ी मुझे, मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ कि आज पहला मतलब रोज़ा रखना है, और सब मामा वाली सब बोल रहे हैं कि हम रखेंगे इंशाल्लाह, तो मैं भी ज़रूर रखूँगी इंशाल्लाह। सो गाइस, हमें चांद नज़र नहीं आया, काफ़ी फॉग है इसलिए, तो देखते हैं न्यूज़ में जाकर। सो गाइस,
गाइस काफी कोशिश करने के बाद शाफिन से पतंग नहीं उड़ी और मैं कब से उड़ाए जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। गाइस फिर से गिर गई, लगता है आज भी उड़ेगी, कल इंशाल्लाह फिर देखेंगे। सो गाइस शाफिन को गुस्सा भी बहुत चढ़ रहा है कि मेरी पतंग कब उड़ेगी, फिर से इनको गुस्सा चढ़ रहा है। सो गाइस कैसा लगा आज को हमारा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगे इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे शाफिन का है बहुत गुस्सा क्योंकि एक पतंग ख़राब हो गई, अभी दूसरी लाए तो इनकी दूसरी पतंग भी नहीं उड़ी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।